Hello, good morning, friends. Myself Rajesh Bishnoi. I am posted at Government Polytechnic College Jodhpur as a lecturer. Today we will discuss Carnot Math in Digital Electronics. Digital Electronics is a subject is a computer science का 205 second year के अंदर है. इसकी unit 5th है Carnot Math KMF. KMF अपन देखेंगे KMF के अंदर व्हाट इज KMF, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करने की टेक्निक्स, KMF से क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, और BTR का जो एनुअल एग्जाम होता है उसके अंदर KMF से रिगार्डिंग मोस्टली 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, नहीं तो 6 नंबर का तो कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन 6 नंबर का या 12 नंबर का एक क्वेश्चन. तो पूरा KMF की टेक्नोलॉजी से अपन देखेंगे कि KMF से अपन किसी भी क्वेश्चन को किस हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, KMF से कैसे कैसे सोल्व करेंगे. पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखेंगे और वन बाय वन स्टेप, और वीडियो खत्म होने के बाद में आप क्या करेंगे कि घर पे एक कोई भी इक्वेशन या बुक से एक बुलियन एलजेब्रिक इक्वेशन लेके उसको KMF से सोल्व करके देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज KMF. बेसिकली KMF का नाम है Carnot Math. Carnot Math इज ए pictorial method used to minimize boolean expression without having to use boolean algebraic theorems and equations manipulations. A KMF can be thought of as a special version of a truth table. Basically, KMF is a graphical technique for the representation and simplification of boolean expression, which is a two dimensional form of a truth table, drawn in such a way that the simplification of a boolean expression. First of all, KMF is a simplifying methods for boolean expression या boolean equation. किसी भी boolean equation को solve करने का जो simplified way है वो KMF है. KMF एक pictorials या graphical methods से अपन किसी भी boolean algebraic equation को solve कर सकते हैं without any help of boolean postulates, जो boolean theorems एंड अदर बुलियन फंक्शंस यूज करते हुए. KMF नॉर्मली KMF बेस्ड ऑन वेरिएबल्स. यदि किसी बुलियन एलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर टू वेरिएबल्स यूज हुए हैं तो वहां पर टू वेरिएबल KMF यूज करेंगे. यदि किसी एक्सप्रेशन में यदि थ्री वेरिएबल्स यूज हुए हैं तो वो थ्री वेरिएबल KMF होगा. किसी इक्वेशन में फोर वेरिएबल यूज हुए हैं तो वो फोर वेरिएबल KMF होगा. आगे एक्सटेंड भी होता है, फाइव वेरिएबल, सिक्स वेरिएबल, सेवन वेरिएबल, लेकिन BTR के एग्जाम सिलेबस के अंदर फोर वेरिएबल्स KMF तक ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे KMF फॉर टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स का मीनिंग है कोई भी आपको बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है, जैसे नॉर्मली फंक्शन f बराबर a बार b प्लस ए बी बार या इस टाइप से कुछ भी. यदि आपके वेरिएबल a और b दो ही हैं तो वो टू वेरिएबल्स कहलाते हैं. a b c तीन है तो तीन वेरिएबल हो गए, a b c d चार वेरिएबल है तो चार. यदि आपको स्मॉल m के रूप में दी गई है तो जीरो से लेकर टू तक है तो टू वेरिएबल है, जीरो से लेकर सेवन तक है तो थ्री वेरिएबल, और जीरो से लेके 15 तक है तो फोर वेरिएबल. टू वेरिएबल की KMF, टू वेरिएबल है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन. ठीक है, जीरो जीरो को अपन मिनटर्म यूज करते हैं. मिनटर्म इज ए टर्म फॉर मिनटर्म एंड मैक्स टर्म. दो टर्म यूज होती है किसी भी मिनटर्म के अंदर. जो आउटपुट वैल्यू है यदि वो वन आ रही है तो यहाँ पे मिनटर्म के अंदर अपन उसको क्या करते हैं कि वन प्रोड्यूस कर देते हैं. और मिनटर्म क्या होती है कि सम ऑफ प्रोडक्ट होती है, और मैक्स टर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ सम. ठीक है, मिनटर्म यहाँ पे एक्स वाई, जैसे मिनटर्म को रूप में यूज करना है तो एक्स बार वाई बार, और जीरो जीरो वन को क्या करेंगे एक्स बार वाई, वन जीरो को क्या करेंगे एक्स वाई बार, वन वन को क्या करेंगे एक्स वाई. ठीक है, नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक दो वेरिएबल का KMF बनाया है जिसके अंदर एक साइड में एक्स लिया है, दूसरी साइड में वाई लिया. एक बार जीरो ले लिया, एक बार वन ले लिया, इधर भी जीरो ले लिया, वन ले लिया. तो जो फर्स्ट सेल है यहाँ पे देखो आप, एक एक्सेल के जैसे सेल यूज हुआ है तो यहाँ पे अपन फर्स्ट सेल है वो जीरो जीरो है. जीरो जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बार वाई बार को. सेकंड सेल है वो जीरो वन है, जीरो वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बार वाई को. थर्ड सेल जो है नीचे वाला जो है ये है एक्स वाई बार, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन जीरो को. और फोर्थ सेल है वन वन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई को. नॉर्मली थ्री वेरिएबल्स के में थ्री वेरिएबल के अंदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आठ हो जाते हैं, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन. इसको अपन यदि मिनटर्म के अंदर यूज करते हैं तो मिनटर्म के अंदर क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी एंड ए बार बी सी बार. जहां पर भी जीरो है उसको बार करके वन कर दिया, जहां पर भी वन है वो एज इट इज यूज कर लिया.
फिर नेक्स्ट देखते हैं थ्री वेरिएबल्स केवेफ। थ्री वेरिएबल्स केवेफ के अंदर अपन मैंने केवेफ बनाया तो मेरा क्या क्या है कि कोई भी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में एक तरफ ए ले लिया, दूसरी तरफ बी सी ले लिया। ए इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? दो, जीरो और वन हो गए। बी सी इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? चार, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले वन वन आएगा फिर वन जीरो। अब इसको ए बी सी फॉर्मेट में आप इस तरीके से लिख सकते हो, बोले जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन वन, जीरो वन जीरो, या वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन 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 वन, वन वन जीरो। एक तो फॉर्मेट ये है लिखने का, दूसरा इस तरीके से यदि ये बाइनरी को आप डायरेक्ट डेसिमल में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो तो डायरेक्ट डेसिमल में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। फर्स्ट सेल है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सेल है वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड सेल है वो थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट सेल है वो टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेल है वो फोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट सेल है वो फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट सेल सेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट सेल सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मिनटर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। मिनटर्म में लिखने का तरीका मेरे पास क्या हो गया, नॉर्मली यहाँ पे जीरो है तो ए बार लिख दिया है, वन है तो ए लिख दिया, जीरो 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 है तो बी बार सी बार, जीरो वन है तो बी बार सी, वन वन है तो बी सी, और वन जीरो है तो बी सी बार। इसको ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपन फोर वेरिएबल्स। फोर वेरिएबल्स के अंदर क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जीरो से लेके इस 15 तक के हो जाएंगे, जिसको अपन इस तरीके से देख सकते हैं। एक तरफ ले लिया ए बी, दूसरी तरफ ले लिया सी डी, जो फर्स्ट फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ। इसको रिप्रेजेंट किसके से, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो। ऊपर भी सी डी को भी क्या कर देंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि मिनटर्म के रूप में कैसे यूज करेंगे, एम जीरो, एम वन, एम थ्री, एम टू, एम फोर कुछ नहीं किया है, एम जीरो मतलब यहाँ पे ये सेल की वैल्यू क्या है, जीरो 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 जीरो। जैसे मैं थ्री की बात करूँ, एम थ्री यहाँ पे सेल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन किसकी बाइनरी है, थ्री की। नेक्स्ट मान लिया कोई फोर्टीन, एम फोर वाला सेल है, एम फोर्टीन, एम फोर्टीन यहाँ पे बाइनरी क्या है, वन 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 जीरो, वन 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 जीरो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, वन 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 जीरो किसका रिप्रेजेंटेशन, एम फोर का। यदि इसको अपन मिनटर्म के यूज में लेना है तो ए बार बी बार सी बार डी बार, ठीक है, और ए बार वी बार सी बार, नॉर्मली इस तरीके से ए बार वी बार, इसको इस तरीके से मिनटर्म के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि मेरे को यहाँ पे इसको जीरो से लेके 15 तक की यदि बाइनरी यूज करनी है, जीरो से लेके 15 तक की बाइनरी यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे जीरो 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 से लेके और लास्ट में वन वन वन, इसको मिनटर्म यूज कर दिया, एम जीरो, एम वन, एम टू, एम थ्री। तो अब यहाँ पे इसको मैं इजीली मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि फर्स्ट जो सेल है इसके अंदर सारे के सारे सेल इस डायग्राम्स के अंदर अपन हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको चार वेरिएबल का केएमएफ डिज़ाइन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चार वेरिएबल का केएमएफ डिज़ाइन करना, और चार वेरिएबल के केएमएफ के अंदर डिज़ाइन करने के बाद वैल्यू पुट अप करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेल जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन, वन जीरो इधर रख दिया, इधर भी मार्किंग कर दी, एम जीरो से लेके एम फोर, फिर एम फोर, एम एम जीरो से लेके एम टू, सॉरी यहाँ पे एम टू होगा, और ये एम फोर से लेके एम सिक्स, और यहाँ पे एम एट से लेके एम टेन। नेक्स्ट स्लाइड। किसी भी यहाँ पे रूल्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ए केएमएफ, ग्रुपिंग ऑफ ए केएमएफ मेन जो इंपॉर्टेंट रूल होता है। अभी आपने क्या हुआ कि आपके क्वेश्चन के अंदर यदि दो वेरिएबल का केएमएफ आया तो दो वेरिएबल के केएमएफ को आपने ड्रॉ कर दिया, तीन वेरिएबल का केएमएफ आया तो तीन वेरिएबल का केएमएफ ड्रॉ कर दिया, चार वेरिएबल का केएमएफ आया तो चार वेरिएबल के केएमएफ को ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद में आता है ग्रुपिंग और पेयरिंग, ठीक है। अब नॉर्मली क्या है कि दो वेरिएबल के केएमएफ के अंदर ये अपन कभी भी अपन क्या करेंगे, जब पेयरिंग करेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए कि हमेशा एडजेंटिंग सेल के अंदर आपका, एडजेंट सेल के अंदर आपका वन वन होगा तभी आपकी ग्रुपिंग सही होगी। फर्स्ट दो वेरिएबल के केएमएफ में एक वन जीरो है, दूसरा वन वन है, यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर ये ग्रुपिंग सही है, ये ग्रुपिंग गलत है। नेक्स्ट है आपकी ये पे हॉरिजॉन्टल कभी भी नहीं होगी, हमेशा वर्टिकल होगी वो सही होगी। ये वर्टिकल, वर्टिकल में अपन कभी भी ग्रुपिंग के अंदर एक वंस रिपीट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में इसको देखेंगे तो फर्स्ट में वन वन को ग्रुपिंग एकदम ओके ग्रुप है, उसके बाद में वन 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 चार का ग्रुप मिल रहा है, चार हमेशा ग्रुप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आठ, यदि आठ एक आठ बार यदि एक एक अवेलेबल है तो वो उसको अपन कहते हैं क्वाड, क्वाड और ऑक्टेट, आठ को कहते हैं ऑक्टेट, उसके बाद चार को कहते हैं क्वाड और दो को कहते हैं पेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे ये तीन का ग्रुप कभी नहीं बनाएंगे, पांच का ग्रुप कभी नहीं बनाएंगे, यदि चार है तो ये
सही है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, एक चार का ग्रुप ऊपर बना दिया, फिर चार का ग्रुप नीचे बना दिया, क्योंकि ऐसा है कि ग्रुप हमेशा या तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रहेगा या स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा। ये ग्रुपिंग गलत है, क्योंकि पहले यदि चार का अवेलेबल है तो कभी भी ऐसा नहीं है कि दो का ग्रुप बनाओगे। चार का अवेलेबल, जितना लार्ज ग्रुप अवेलेबल है वो ग्रुप पहले अपन बनाएंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर है, इसके अंदर आपके ग्रुप बना रहे हैं, तो ग्रुप में ऊपर वाला दो बना दिया, नीचे वाला एक है, ये ग्रुप सेकंड आपका कभी नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे इसमें सेकंड में क्या करेंगे, इसको रिपीट करके ठीक है, और ये ग्रुप नहीं बनाएंगे, ऊपर वाला ग्रुप सही है ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये चारों कोणों पे, तो ये वन 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 इसको ले लिया, लास्ट वाला आपस में आ सकते हैं, ये चारों राइट हो गए, ये चारों गलत हो गए। कभी भी कोई भी जीरो इसके अंदर अलाउ नहीं होगा, कभी भी डायगोनल अपन ग्रुपिंग नहीं करेंगे, ओनली पावर ऑफ टू की पावर के अंदर ही ग्रुप हमेशा जनरेट होगा। मतलब नंबर ऑफ वंस होंगे वो टू की पावर में होंगे, यदि टू है, फोर है, एट है, 16 है, एवरी वन मस्ट बी एटलीस्ट वन ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर तो होना ही चाहिए। ओवरलैपिंग अलाउडेड, और उसके बाद में रेफ अराउंड अलाउडेड, और फ्यूएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स पॉसिबल, जब तक ग्रुप में कम से कम। अब अपन यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन लिया मैंने डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे है मेरे पास क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने मिन टर्म्स के अंदर 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 13 और 15, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको केएमएफ के यूज से मेरे को सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे, मैंने सबको फर्स्ट 0 को रिप्रेजेंट कर दिया, 0 वाले कॉलम सेल में मैंने 1 लिख दिया, 2 वाले में 1 लिख दिया, 4 वाले में 1 लिख दिया, 5 में 1 लिख दिया, 7 में 1 लिख दिया, और उसके बाद में 6 के अंदर 1 लिख दिया, उसके बाद 13 में 1 लिख दिया, 15 में 1 लिख दिया, 8 में 1 लिख दिया, 1 और 10 में 1 लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे के चारों कॉर्नर के अंदर है, तो ये चारों का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद में ये चारों वन 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 है, इसका चारों का एक सेकंड ग्रुप बन जाएगा, फिर चारों का तीन ग्रुप बन जाएंगे। एक ग्रुप से मेरा रिजल्ट आ रहा है एक्स जेड, दूसरे पे एक्स बार जेड बार डब्ल्यू बार एक्स, ये सॉल्विंग हो जाएगा। यदि कोई डोंट केयर कंडीशन है, मेरे पास कोई डोंट केयर कंडीशन है, डोंट केयर कंडीशन का एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे उसको, 0, 2, 5, 0 की जगह मैंने क्रॉस लिया है, 2 की जगह मैंने क्रॉस लिया है, और 5। यदि यहाँ पे डोंट केयर के अंदर ग्रुपिंग में, तभी अपने इसको हेल्प में यूज करेंगे जब तक यदि वो ग्रुप बनाने में आपका योगदान है, और नहीं है तो उसको ग्रुप में अपन नहीं यूज़ करेंगे। जैसे नॉर्मली ये एक्स ग्रुप के अंदर यूज़ नहीं आ रहा है, तो इसको दोनों तरीके से अलग अलग ग्रुपिंग अलग अलग करने से दोनों के रिजल्ट अलग अलग आते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह सही है। थैंक यू।